सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुलजमा की मटियारी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुलजमा ने मटियारी के करीब हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में सिंध में पहले मरहले में भी पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है, इंशाल्लाह दूसरे मरहले में भी मुखालिफीन को आवामी ताकत से पीपी के उम्मीदवार बड़ी शिकस्त देंगे। इन्होंने इस मौका पर साबिक पीपी एमएनए मखदूम साइदुलजमा के बेटे अहमदुलजमा को पीपी के जिलाई चेयरमैन के लिए के प्लेटफॉर्म से नामजद करने का ऐलान किया। सूबाई वजीर रेवेन्यू का कहना था कि इंतखाबात में अफसरान किसी भी ग्रुप के फरीक ना बने और न ही किसी किस्म की इन कोताही बर्दाश्त की जाएगी। इनका कहना था कि महकमा रेवेन्यू में ई सर्विस का आगाज किया गया है, जिसमें 2,40,000 मशकूक दाखिलों पर इन्हें फ्रीज किया गया है। इनका कहना था कि 16 एकड़ से ज्यादा जरी जमीन रखने वालों की टीपीएस के जरिए तहकीकात करके इनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि मुखालिफ हलीम आदिल शेख 5 घंटे बजट इजलास में तकरीर पे सब्र करना बड़ी बात है। इनका कहना था कि 1,07,00,000,00,000 की सिंध हुकूमत टैक्स फ्री बजट में आवाम और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे थे मटियारी से ग्रेट न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद अली मेमन।